ये जमीन आपकी है, आप इसके मालिक हैं, आपकी नौकरियां आपके बच्चों को मिलनी चाहिए। और हमारा वादा है कि 1 लाख बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी लगाएंगे, और ये हम वादा पूरा करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सी माएँ बहनें जिनके खावन गुजर गए, घर में कोई देखने वाला नहीं है और बेकसी की हालत में रहते हैं, उसका भी हमने वादा किया कि उनसे ये नहीं देखेंगे इसका मजहब क्या है, इसका धर्म क्या है, बल्कि उसकी ज़रूरत क्या है, उसके लिए हर महीने उसको 5,000 रुपये आएंगे सरकार की तरफ से। हम बांटने वाले नहीं हैं, हमने कभी नहीं बांटा कि ये जम्मू का है, ये कश्मीर का है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये गुजर है, ये बकरवाल है। मेरे अल्लाह ने हम लोग को ये बताया कि मैं हूं पैदा करने वाला, और ये कहा उसमें कि खबरदार अगर तुम इनके खुदा के बारे में कुछ कहोगे तो याद रखना, अगर ये तुम्हारे खुदा के बारे में कहेंगे तो तुम्हारा हशर क्या होगा। आयत आई अल्लाह की तरफ से, आपसे कहता हूं ये जो नफरत फैलाने वाले हैं इनसे कहिए ये नफरत का डोल यहां नहीं बजने वाला, यहां हिंदू भी जिंदा रहेगा, मुसलमान भी जिंदा रहेगा, इज्जत से रहेगा, ये नहीं कि दूसरा सिटीजन होगा, इज्जत से रहेगा, हर एक को अपनी इज्जत चाहिए। वो किसी की इज्जत खाना नहीं चाहता, वो कहता मेरा बच्चा आबाद हो, मेरा घर आबाद हो, मेरी तकलीफें दूर हो, मैं ठीक कहीं पहुंच सकूं अच्छी तरह से,